हाई एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू आर चैनल तो आज हम ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मे ट्वेंटी ट्वेंटी वन की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड प्रेस द आइकन सो लेट्स के स्टार्ट सबसे पहले आज ट्वेंटी फर्स्ट मे को टू इम्पॉर्टेंट डे आज होते हैं एक तो है एंटी टेररिज्म डे ये क्यों मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मई नाइनटीन नाइन्टी वन को राजीव गांधी जो इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे तो उनका एसिसिनेट किया गया था एसासीनेशन आज के ही दिन हुआ था वो तमिलनाडु में रैली को होस्ट कर रहे थे तो उस टाइम पे था ठीक है तो ये है और इसमें मतलब अवेयरनेस Uh, बढ़ाई जाती है कि टेररिज्म जो है और जो टेररिस्ट होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है दे डोंट हैव एनी रिलीजन और वो उनका बस एक ही पर्पस होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर डिवेस्टेशन करना है ना ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो uh, किसी को हार्म पहुंचाना या फिर उनको मारना तो ये है दूसरा है एक एक और डे है इनडेंजर्ड स्पीसीज डे ठीक है इनडेंजर्ड स्पीसी डे स्पीसी डे 2021 जो थर्ड फ्राइडे इन में ठीक है थर्ड फ्राइडे इन में हर साल मनाया जाता है तो ये है ठीक है तो इनके बारे में भी आप एक बार डिटेल में देख सकते हैं कि क्या क्या है इसकी थीम और सो सेफ्टी ओनर्स ऑन द बार जोनर कैप्टन इग्नोर वार्निंग्स ओ एन जी सी एफ कॉन तो कल भी ओ एन जी सी के बारे में बताया था और ये साइक्लोन ताउते हैं ठीक है थीके? उसके बारे में भी काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं आज इस पर एक एडिटोरियल भी है तो वो भी डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कैप्टन ने मतलब वार्निंग्स भी जो थी एक हफ़्ते पहले ही वार्निंग मिल गई थी लेकिन फिर भी ये बोल दिया अपने लोगों को सबऑर्डिनेट्स को कि नहीं ये फोर्टी किलोमीटर पर आर की स्पीड का ही रहेगा नहीं हाई इंटेंसिव नहीं है इतने इंटेंसिटी की नहीं है कि जो प्रॉब्लम होने लगेगी लेकिन ये जो पी थ्री जीरो फाइव जो शिफ्ट थी तो यहाँ पे ओएनजीसी के जो वर्कर्स थे तो यहाँ पे आ, सैंक हो गई थी ये इसे ठीक है तो यहाँ पे फोर्टी नाइन लोगों की डेथ हुई और अभी तक ट्वेंटी सिक्स लोग हैं मिसिंग हैं और बाकी के जो बहुत सारे वन थर्टी सेवन लोगों को अभी तक नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन से रेस्क्यू कर लिया है ठीक है नेवी रेस्क्यू क्रू अब्रॉड बैरिज जी एल कंस्ट्रक्टर तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम हमारी नेवी कर रही है देन स्टडी कोविड स्प्रेड सीवियरिटी इन चिल्ड्रन यंग प्राइम मिनिस्टर टू ऑफिशियल तो यहाँ पे एक एक और मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और इन्होंने ऑफिशियल से बोला कि जितने भी जो डेटा है उनको कलेक्ट करो कि क्या सीवियरटी है दो ग्रुप के बीच में है ना जो यंग पॉपुलेशन है और चिल्ड्रन तो किस तरीके के क्या उनको मतलब उसी तरीके से हम जो जिस तरीके से जो वायरस है वो अपना जो उसमें म्यूटेशन हो रहा है तो उसी तरीके से हम भी अपने जो है स्ट्रेटजीज उसी तरीके से बनाएंगे ठीक है तो ये सब है दैन ताऊते के बारे में वही है कि म्यांमार ने नाम दिया है बाकी की डिटेल्स में हम देख लेंगे बाद में देन पुणे लैब डेवलप्स इंडियाज़ फर्स्ट होम कोविड टेस्ट किट एट केमिस्ट फॉर रुपीज़ टू फिफ्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये जो होम टेस्ट किट है इसको अप्रूवल दे दी है और ये इंडिया की कंट्री की फर्स्ट ऐसी किट हो गई है जो होम बेस्ड किट है ठीक है तो आप इसको सेल्फ यूज़ आप इसका कर सकते हैं कोविड नाइन्टीन का जो रैपिड टेस्ट है सेल्फ यूज़ रैपिड टेस्ट इससे हो सकता है और और क्या होगा मतलब इससे पहले जैसे आर टी पी सी आर है ठीक है आर टी पी सी आर और या फिर जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है तो वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइसेस भी हैं जहाँ कहीं पे चार सौ पाँच सौ और कहीं कहीं पे आर टी का 600 भी मतलब ले रहे हैं ना एंटीजन टेस्ट का तो ये भी है तो ये आपको दो सौ में ख़रीदनी है और कोविशेल्ड नाम की जो ऐप है वो डाउनलोड करनी है और यहाँ पे मतलब बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के फार्मेसीज ऑनलाइन भी ये परचेस की जा सकती हैं एंड ये कौन यूज़ करेगा जो भी इंडिविजुअल सिमटोमेटिक होगा ठीक है तो इमीजिएट क्स कन्फर्म केसेज एज़ पर दी आई गाइडलाइंस तो फिर उनको वो अपने हिसाब से फिर आइसोलेट कर सकते हैं और बाकी के प्रिकॉशंस सकते हैं तो वो एक्सप्लेन सेक्शन में है कि अगर मतलब यहां पे अगर बंदा मतलब जो पेशेंट है तो वो अगर पॉजिटिव आ रहा है ना आ, या तो फिर जैसे अगर नेगेटिव आया है कोई इस वाले कोविशल्ड जो उसने होम बेस्ड टेस्टिंग की है तो उसमें वो नेगेटिव आया है लेकिन उसको सीवियर सिम्टम है किसके कोरोना वायरस के भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल मतलब डिप्ट कर रहा है तो तब उस स्थिति में क्या करना है उसको आर टी पी सी आर ही कराना पड़ेगा ठीक है जाके ऐसे नहीं कि टेस्ट नेगेटिव हो और घर बैठ गए टू चेक कोविड लिंक ब्लैक फंगस सेंटर मेक्स द डिजीज नोटिफाइबल ठीक है अब ये जो कोविड लिंक ब्लैक फंगस है अभी तो ज़्यादा रिपोर्ट नहीं किए गए हैं लेकिन Uh, सरकार ने अब इसको मैंडेटरी कर दिया है दैट मीन्स नोटिफाइबल डिज़ीज़ की लिस्ट में ला दिया है ठीक है हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन थर्सडे मेड द इन्फेक्शन नोटिफाइबल तो ये क्या हो गया जब कोई डिजीज़ जब कोई डिज़ीज़ नोटिफाइबल की लिस्ट में आ जाती है तो दैट मीन्स वो क्या हो गई उसको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है आपको गवर्नमेंट को प्रॉपर डेटा देना होगा कि यहाँ पे इतने डिजीज़ इतने पेशेंट इसके पाए गए हैं और इतना पॉजिटिविटी uh, रेट है इतना सब कुछ ये है ठीक तो है तो नोटिफाइबल डिजीज़ तब ट्रैक किससे होते uh, हैं थ्रू इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेंस प्रोग्राम किससे इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेंस प्रोग्राम टू डिटेक्ट वार्निंग सिग्नल्स अर्ली सो दैट इफेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन ठीक है तब तुरंत ही जो ज़रूरी है एक्शन वो लिए जाए एंड सेवरल डिजीज डिजीज इसके अलावा भी बाकी सारे डिजीजे हैं जैसे कोलेरा लेप्रसी, प्लेग, टी एड्स तो इनको भी नोटिफाइड ये ऑलरेडी इस लिस्ट में है ठीक है तो ये याद रखना है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम के थ्रू इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी एंड जो माइक्रो म्यूक्रो म्यूक्रोमाइसिस है ये क्या है एक फंगल इन्फेक्शन है ठीक है फंगल इन्फेक्शन इन विच साइनस लंग्स आर इफेक्टेड आफ्टर फंगल स्पोर्ट जो एयर हम इनहल कर रहे हैं तो वहाँ से वो जाते हैं एंड द इंसिडेंस ऑफ दिस इन्फेक्शन हैज़ ट्रेडिशनली बीन लो ठीक है इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन अभी मेनली ये किन पेशेंट में हो रहा है जिनकी डायबिटीज़ पे कंट्रोल नहीं है अनकंट्रोल डायबिटीज़ है जिनको और कोविड नाइन्टीन uh, क्या बोला जा रहा है इसको सी ए एम दैट मीन्स कोविड नाइन्टीन एसोसिएटेड म्यूक्रोमाइसिस ठीक है तो ये है और uh, इसके अलावा दिस इज मतलब दो रीज़न से एक यहाँ पे बताया गया कि दो रीज़न से ये हो रहा है मेनली एक तो वही जो सीवियर डायबिटिक है पेशेंट uh, तो उसमें उन उनमें फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हाई हैं दूसरा जो जिनको क्या है इंडिस्क्रमिनेट यूज़ कर रहे हैं मतलब उनको कोरोना है और वो स्टेरॉइड का मतलब क्या कर रहे हैं कोविड ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड का यूज़ कर रहे हैं ठीक है थीके? बहुत ज़्यादा तो उनमें भी ये चांसेस ज़्यादा हैं तो यहाँ पे यही बोला गया है कि कैम नेशनल जो रजिस्ट्री है ना उसके थ्रू मतलब यहाँ से फिफ्टीथ ऑफ मे से ये स्टार्ट कर रहे हैं एंड दे एग्जैक्ट केस बर्डन अभी नहीं पता है लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में रिपोर्ट करने होंगे है ना स्टेट्स को एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक म्यूक्रोमाइसिस अ नोटिफाइबल डिजीज़ तो किसके अंतर्गत ये किया गया अंडर एपिडेमिकिजीज एक्ट एपिडेमिकिजीज़ एक्ट जो एटीन नाइनटी सेवन का है उसके तहत ठीक है यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ मेडिकल कॉलेज हैं वो ये सारी स्क्रीनिंग डायग्नोसिस मैनेजमेंट जितना भी म्यूक्रोमाइसिस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब रिपोर्ट करेंगे ठीक है आई सी एम आर और जो एमओ एच एफ डब्ल्यू की जो गाइडलाइंस है उसके तहत फिर कार्यवाही की जाएगी होम टेस्ट किट के बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि ये एक मेजर टूल होगा क्योंकि बहुत सारे मतलब आ, फॉरन कंट्री में भी क्या हुआ था कि बहुत सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उन्होंने भी सेल्फ टेस्ट को अलाउ किया था अपने सिटीजन के लिए एंड दे कंसीडर इट एज अ पावरफुल टूल जो इस ट्रांसमिशन uh, है वायरस की तो उसको ब्रेक करने के लिए उस चेन को ब्रेक करने के लिए पावरफुल टूल साबित होगा ये ठीक है तो ये सब है बाकी इस तरीके के तीन और पाइपलाइन प्रोजेक्ट हैं देन सिटी सीज़ हाइएस्ट एवर रेनफॉल इन ट्वेंटी फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स फॉर मे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइएस्ट रेनफॉल हो रहा है मतलब हमारी पूरी कंट्री में ही है अभी रेनिंग सीजन मे के टाइम पे और डेली हैज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ़ ट्वेंटी थ्री पॉइंट एट डिग्री सेल्सियस ऑन वे विच इज़ सिक्सटीन डिग्रीज़ बिलो नॉर्मल एंड द लोवेस्ट मैक्मम एवर सिंस द मंथ ऑफ मे सिंस नाइनटीन फिफ्टी वन ठीक है तो तब से ये है और जब से मतलब स्टार्ट ही की थी आईएमडी ने प्रजी जो डेटा था उसको कलेक्ट करना डिजिटाइज फॉर्मेट में है ना तो आईएमडी का हेड क्वार्टर कहाँ है वो आप मुझे बता सकते हो और दूसरा क्यों ये रेनफॉल मतलब हो रही है ठीक है चलो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हो रही है और बहुत सारे रीजन में तो ताउते के कारण ही हो रही है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है वो आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता सकते हो ठीक है एन में है इसके बारे में पूरा जिक्र कि क्यों मतलब ऐसे रेनफॉल होता है बी पॉइंट वन पॉइंट सिक्स वन सेवन टर्निंग आउट एज डोमिनट स्ट्रेन ऑफ कंसर्न तो ये इंसाकॉक जो एक्सपर्ट्स हैं इनका कहना है ठीक है तो ये साइंटिफिक ग्रुप है और यहाँ पे वेरियस इंस्टीट्यूशन के साइंटिस्ट हैं किसके अंदर सार सी ओ वी टू सार सी ओ वी टू जो जिनोमिक्स हैव सेड, इन्होंने ये बोला है कि वेरिएंट uh, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट वेरियंट है ऑफ़ कंसर्न इन द कंट्री और ये एक इंसा जो कॉग है यानी कि सार सी ओ वी टू जीनोमिक्स कन्जोर्टियम तो ये क्या है एक लीडिंग नेशनल कन्जोर्टियम है ऑफ टॉप साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री इन्वॉल्व इन जीनोम सिक्वेंसिंग ऑफ द वायरस ठीक है ये तो ये वायरस की जीनोम सिक्वेंसिंग में इन्वॉलमेंट है इनका एंड दो बीस हज़ार से ज़्यादा सैम्पल इन्होंने ऑलमोस्ट ले लिए हैं और द कंसोर्टियम हैज़ आइडेंटिफाइड वेरियंट्स ऑफ कंसर्न इन एट थाउजेंड सैम्पल्स ठीक है तो कहीं पर मतलब ये बोला जा रहा है कि बी वन सिक्स वन सेवन है और कहीं पर समवेर इट इज बी वन पॉइंट वन पॉइंट सेवन जो यूके का वेरियंट था तो ये बहुत ज़्यादा uh, मतलब डोमिनेंट uh, वायरस है एंड इट इज़ डेजिग्नेटेड वेरियंट ऑफ कंसर्न इन यू के है ना और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन हैज़ ऑल्सो डिक्लेयर टू बी वेरियंट ऑफ ग्लोबल कंसर्न विद चीफ साइंटिस्ट तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं और नेक्स्ट इन कॉल्स टू तेलंगाना हेल्पलाइन वरी अबाउट डॉक्टर डॉटर टू चेंजेस इन स्पाउसेज तो यहाँ पे जो कल भी हमने बताया था एक एल्डर लाइन भी एल्डर लाइन जो है मतलब जो बुजुर्ग हैं पेंडेमिक के टाइम पे जो वो चीज़ों से मतलब गुजर रहे हैं जो अपने ग्रीफ है पेन है वो शेयर नहीं कर पा रहे उनके पास अगर उनके कोई बच्चे नहीं है या फिर उनकी कोई पेन को सुनना नहीं चाह रहा है तो उसके कंसर्न के लिए ये हेल्पलाइन रिलीज़ किया गया था जो आने वाले मतलब मई एंड तक पूरे आ, कुछ स्टेट्स में इम्प्लीमेंट हो जाएगा ठीक है तो तेलंगाना तेलंगाना में ऑलरेडी हेल्पलाइन uh, में 153 कॉल्स आई एट ट्वेंटी फोर ईयर ओल्ड मैन वॉज ट्रेस कोविड नाइन्टीन रिस्ट्रिक्शंस डिसरप्टेड हिज प्रपेशन फॉर सिविल सर्विस एग्जाम्स तो ये भी है और uh, बहुत सारी कॉल ऐसे भी थी कि उनके जो स्पाउसेज है उनका बिहेवियर चेंज हो गया है वर्क फ्रॉम होम में एंड uh, तो यही सब है उन्होंने फिर टिप्स दी कि किस तरीके से आप एल्ट्राटूजम भी कर सकते हो मतलब uh, परोपकारिता के क्षेत्र में काम कर सकते हो ताकि आपको थोड़ा सा पीस मिले क्योंकि दैट ट्वेंटी फोर ओल्ड ईयर मैन मतलब उसके पेरेंट्स की भी डेथ हो गई थी है ना तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं और हेल्प कर रहे हैं लोगों की इमोशनली uh, देन टेक्स पिन्नरई टेक्सोथ केरला सी एम फॉर सेकेंड टाइम ट्वेंटी मिनिस्टर इंडक्टेड तो पिन्नरई विजयन एट द स्टेट सेक्रेटरीट ऑन थर्सडे और, और यहाँ पे क्या है एल डी एफ़ की गवर्नमेंट मतलब दूसरी बार ये इन्होंने एज्यूम किया है ऑफिस चीफ मिनिस्टर पिन्नरई विज विजयन ठीक है केरला तो ये है नेक्स्ट साइक्लो टॉल नाउ सेवेंटी नाइन अब यहाँ पे है द यूपी प्रॉब्लम तो यूपी प्रॉब्लम में पूरा आर्टिकल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूपी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा सही आर्टिकल नहीं है जो यहाँ पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो वो मैं आपको बता देती हूँ क्या एक्जैक्टली exactly इम्पॉर्टेंट है पढ़ना तो यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट लिखी हुई है लेट्स ज़ूम इन the most recent example was using the punjab government decisions to create maler kotla as a district as an other occasion फॉर अ कम्यूनल प्रोवोकेशन ठीक है तो यहाँ पे हमें ये यहाँ पे फैक्ट लेना है एक कि पंजाब की गवर्नमेंट ने एक डिसाइड किया है कि वो एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे किसको माले कोटला को तो यहाँ पे आपको पॉलिटी से पता होना चाहिए ठीक है किसी ने बोला था कि आप मतलब ये भी बताओ कि कौन सा आर्टिकल कौन से पेपर का है ना तो इतना सब कुछ करते करते पूरा टाइम भी चला जाएगा बट जितना हो पाएगा मुझसे पॉसिबल तो मैं बताऊँगी है ना तो जी एस पेपर टू मतलब पॉलिटी से ही मतलब किस तरीके से रिलेटेड है फिर ये आर्टिकल क्योंकि यहाँ पे आपको पॉलिटी में एक टॉपिक है कि किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट जो है किस तरीके से क्रिएट होते हैं है ना उसमें सेंट्रल का क्या रोल होता है तो क्या ये चीज़ आपने मतलब आपने पढ़ी है अपने पॉलिटी में नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी आगे मतलब इसके बाद ठीक है तो क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से जो नए डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनका क्रिएशन होता है रोल स्टेट का क्या होता है तो पावर जो होती है नए ज़िले बनाने की ठीक है वो क्या है और एबोलिश की कोई डिस्ट्रिक्ट है उसको एबोलिश करना है एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट को तो वो स्टेट गवर्नमेंट की ही होती है दिस कैन इधर बी डन थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और, और बाय पासिंग अ लॉ इन द स्टेट ठीक है तो बहुत सारे जो स्टेट्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू सिंपली एक नोटिफिकेशन रिलीज करें ऑफिशियल गैजट और ये पास करें तो अब इसका पर्पज़ क्या होता है क्रिएशन का इस्टेट ऑर्ग्यूज दैट स्मॉलर डिस्ट्रिक्स लेड टू बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कि जितना छोटा डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से होगा वहाँ का जो शासन प्रशासन है वो और बेहतर तरीके से कर सकते हैं जैसे 2016 में असम गवर्नमेंट ने इशू किया था नोटिफिकेशन माजुली सब डिविजन टू माजुली डिस्ट्रिक्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीडेंसी अब सेंटर की क्या भूमिका होती है यहाँ पे सेंटर का कोई भी रोल नहीं होता है टू प्ले इन द अल्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक और क्रिएशन ऑफ न्यू वन ठीक है स्टेट्स को फ्री है स्टेट्स आर फ्री टू डिसाइड होम मिनिस्ट्री का रोल ये होता है यहाँ पे कि कि uh, मतलब होम मिनिस्ट्री कम्स इन टू द पिक्चर वेन अ स्टेट वॉन्ट्स टू चेंज द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट और रेलवे स्टेशन ठीक है तो अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का नेम चेंज करना है रेलवे स्टेशन का नेम चेंज करना है तब होम मिनिस्ट्री यहाँ पे इंटरप्शन uh, in मतलब करती है द स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट टू सेंड अनदर डिपार्टमेंट एजेंसी एज द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जियोग्राफल सर्वे ऑफ इंडिया साइंस रेलवे मिनिस्ट्री है तो यहाँ से क्लियरेंस उनको लेना पड़ता है एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है ये इश्यू हो जाता है ठीक है जब वो भी रिप्लाई कर देते हैं इंडिया में अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 2011 के सेंसस में 593 डिस्ट्रिक्ट हैं कंट्री में और 2001 से 11 के बीच में फोर्टी सिक्स डिस्ट्रिक्ट वर क्रिएटेड बाई स्टेट ठीक है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट uh, है 593 डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे 46 नए क्रिएट किए गए हैं एंड 2021 में इज यट टू हैपन करेंटली देर आर 700 हंड्रेड डिस्ट्रिक्स इन द कंट्री तो आपको सेंसस का भी पता होना चाहिए 2011 का सेंसस क्या था ठीक है उसके क्या थे और जो अभी है 2020 थाउजेंड ट्वेंटी यट टू हैपन लेकिन अभी सेवन हंड्रेड डिस्ट्रिक्ट हैं कंट्री में ठीक है सर्ज इज नंबर इज ऑल्सो बिफ बाई फर्केशन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना इन दो हज़ार चौदह देन रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने मालेर कोटा को ट्वेंटी थर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ठीक है ट्वेंटी सेकेंड ही स्टेट वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट थे पंजाब में तो यहाँ पे इन्होंने एटीन एटीन सेवन का जो पंजाब लैंड रिवेन्यू एक्ट है सेक्शन फ़ाइव इसको इंप्लीमेंट uh, किया है और ये बोला है कि यहाँ पे ये यह क्या करेंगे चेंज कर सकते मतलब स्टेट uh, को ये क्या कर सकते नंबर ऑफ तहसील डिस्ट्रिक्ट uh, एंड डिविजन इन टू विच दिस स्टेट इज डिवाइडेड ठीक है तो ये सब ये कर सकते हैं इंप्लीमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ मालेरकोटा की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक ही फॉर्मर प्रिंसली स्टेट है एंड ओनली मुस्लिम डोमिनेटेड टाउन है ये पंजाब में ठीक है मालेर कोटा ओज इट्स फाउंडेशन इन फिफ्टीन सेंचुरी यहाँ पे सूफी सेंथ शेख सदरादीन सदर जहाँ थे इनको हैदर शेख के नाम से भी जाना जाता था और जब मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो यहाँ के जो रूलर थे उन्होंने यहाँ पे इंडिपेंडेंस की बात की एट द टाइम ऑफ द इन्वेजन ऑफ इंडिया जब अहमद शाह अब्दाली आया था अफ़गानिस्तान से तो दे अलाइं विद हिम ठीक है तो अहमद शाह अब्दाली ने 1748 फोर्टी एट टू सेवनटीन के टाइम पे यहाँ पे आया था और मालेकोटा बिकॉन वन अमॉन्ग दिस स्टेट मालेकोटा कंटिन्यू अंडर द ब्रिटिश प्रोटेक्शन ठीक है तो ब्रिटिश प्रोटेक्शन में था और वेन इट बिकेम ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी सिख स्टेट इन पंजाब ईस्ट पंजाब टिल नाइनटीन फोर्टी सेवन आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ़ द प्रिंसली स्टेट नाइनटीन फोर्टी मर्टो ज्वाइन द न्यू स्टेट ऑफ पेप्सू तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है जानना ठीक है बहुत डिटेल uh, एनालिसिस हमने कर लिया है तो so, लेकिन वो आर्टिकल पढ़ने का मतलब नहीं था जो था इम्पॉर्टेंट वो हमने ऑलरेडी देख लिया है देन राइडिंग द स्टोम तो ये आपके जो जोग्रफल फिनामििना टॉपिक है ना उससे रिलेटेड है कि क्या क्या मतलब है अरेबियन सी इज बिकमिंग मोर साइक्लोन प्रोन वी नीड टू री एमेजिन डेवलपमेंट ऑफ द वेस्टर्न कोर्स तो हमने ऑलरेडी देखा कि सेवेंटी सेवेंटी फाइव पीपल से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है महाराष्ट्र गुजरात गोवा कर्नाटक केरला में इस साइक्लोन ताउते की वजह से अरेबियन सी में एंड बहुत सारा इसके अलावा भी जान माल जिसे कहते हैं ना कि लोगों की जान तो जाती है साथ में माल जो मैसेफ डिस्ट्रक्शन होता है बिल्डिंग्स हाउसेज सारी चीज़ों का है ना तो बहुत सारी वन फिफ्ट किलोमीटर पर आर अपरूटेड ट्रीज है ना तो ये सब स्पीड थी एंड साइक्लोन मेड अ लैंड लैंडफॉल इन गुजरात लीडिंग टू अ लॉस ऑफ मोर मॉडललाइस वैक्सीनेशन ड्राइव से बहुत ज्यादा हुई हुए है। और महाराष्ट्र गुजरात में तो ये सस्पेंडेड हो गई है ठीक पे है जो यहां पे कोविड पेशेंट थे उनका भी जो पाथ है वो शिफ्ट करना पड़ा है सेफर फैसिलिटीज़ में और बहुत सारे लोगों को मतलब ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये मतलब इन्फेक्शन्स के जो रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि पिछले साल भी ऐसा हुआ था जब साइक्लोन आया था तो उस टाइम पे जो वेस्ट बंगाल और दूसरे कुछ स्टेट हैं तो वो क्या हुए थे इन्हीं एक्टिविटीज़ में लग गए थे और वो कोरोना वायरस के केसेस जब रिकवरी होनी थी तो बढ़ने लगे थे तो तवते इनफैक्ट इज़ द फोर्थ कन्जिक्यूटिव प्री एक्सट्रीम वेदर इवेंट इन द अरेबियन सी इंडिकेटिंग न्यू डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग चैलेंजेस इन द कंट्रीज वेस्टर्न शोड ट्रेडिशनली हमने बात की थी बार बार कि बे ऑफ बंगाल मोर मोर प्रोन है साइक्लोनिक एक्टिविटीज के लिए अगर कंपेयर करें अरेबियन सी से ठीक है ईस्टर्न इंडियन ओशन क्योंकि वहाँ पर वार्मर है दैन द वेस्टर्न पार्ट टिल टू थाउजेंड एटीन एंड स्टोरमियर भी ज्यादा है लेकिन अरेबियन सी में ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और पहले मतलब नॉर्मल थे तो यहाँ पे ये जो बिहेवियरल चेंज दिख रहा है साइक्लोनिक साइक्लोन uh, का जो चेंजेस है क्यों आ रहा है क्योंकि बढ़ता हुआ तापमान जो है ग्लोबल वार्मिंग है है ना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है जिस वजह से तो इस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं दो का एक पेपर था अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटीज़ जर्नल ऑफ क्लाइमेट वॉन्ट तो इन्होंने वॉन्ट किया था कि जो वेस्टर्न ट्रॉपिकल इंडियन ओशन है वो लगातार uh, क्या कर रहे हैं वार्म होता जा रहा है ठीक है अ रेट फास्टर देन एनी अदर रीजन ऑफ द ट्रॉपिकल ओशन तो यहाँ पे ये सब चीज़ें उन्होंने मतलब एक एक्जम्शन uh, भी लगाया था कि ऐसा हो रहा है लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया था लेकिन ये था कि दैट ईयर जब ये एक्जम्शन हुआ था विंड ब्लोइंग वन ट्वेंटी फाइव किलोमीटर पर आर फोर्स अथॉरिटीज़ गुजरात टू वेट मोर देन थर्टी थाउजेंड पीपल सिंस देन द फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसीफाई स्टॉम्स इन देवेंसी सी हैव इनक्रीज तो अभी एटलीस्ट ये हमारे पास सुविधा है हमारे जो कंट्री का वेदर अलर्ट सिस्टम है थोड़ा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है पहले से सुपर साइक्लोन्स जब गुजरात उड़ीसा में आए थे तो उस टाइम से ये इम्प्रूव हुआ है एटलीस्ट हम जो लोगों की जान है वो बचा पा रहे हैं है ना उनको टाइमली इेक्यूएट कर सकते हैं अभी इवेक्यूएट ही एक मात्र ऑप्शन है हमारे पास बाकी तो और कुछ नहीं है कि उनका कहीं और सेटलमेंट करें लोगों का तो ये है बाकी उन लोगों ने वार्निंग नहीं मानी तो वो अलग बात है आ, और

एक बीजेपी लीडर था तो उसके वायरस से डेथ हो गई थी और उस टाइम पे एक फेसबुक पे पोस्ट किया था एक्टिविस्ट हैं एर ड्रो ठीक है Rowe, उन्होंने ये बोला कि जो स्टेटिंग दैट दफेक्ट एंड वार्निंग अगेंस्ट द डेंजर ऑफ सुपर स्टेशन की मतलब जो सुपरस्टिशन्स हैं ये जो वायरस है ये किससे मतलब ठीक नहीं होगा जो काउ डंग और यूरिन है ना तो ये पॉइंट आउट किया कि डंग और यूरिन कैन नॉट क्योर कोविड नाइन्टीन वाइल्ड कमेंटिंग ऑन द डेथ ऑफ द स्टेट बीजेपी लीडर तो इससे काफ़ी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ आ, मतलब इन दोनों का और इन पे क्या लगा दिया मणिपुर की गवर्नमेंट ने एन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया है ना तो ये सब बोला है अब ये परोनिया क्या होता है पेरोनिया मतलब गवर्नमेंट्स पेरोनिया तो ये एक क्या करता है कि मिडिल ऑफ अ पैंडमिक टू वीड द ड्रैकोनियन लॉ ऑन सिटीजन फॉर सच माइनर प्रोवोकेशन स्पीक्स ऑफ गवर्नमेंट्स पेरो नहीं है कि मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट सस्पेक्शन uh, uh, की शक के निगाहों से देख रही है और फिर उस उन पे ये चीज़ें ड्रैकोनियन जो लॉ है वो इम्पोज कर दे रही हैं ठीक है थीके? तो ये क्या इलस्ट्रेट करता है कि डैट स्टेट जो लॉ है उनका एब्यूज़ कर रहे हैं एन एस ए और दडिशन लॉ हैज़ नाउ बिकम अ वॉरिंग हैबिट कि बार बार जब भी किसी ने कुछ डिसेंट किया आवाज़ उठाई तो उसके ऊपर ये चार्जेस लगा दिए गए है ना तो दोनों ही वांगकिंग और जो ये हैं दूसरे लेचोम्बम हैव बीन पार्ट ऑफ सच ट्रायल बिफोर इससे पहले भी हुआ था ऐसे एंड चार महीने तक वो जेल में रहे थे मणिपुर हाई कोर्ट ने जब ये स्ट्रक डाउन किया था उनका डिटेंशन तो ये बोला जा रहा है कि सेवरल पीपल वर बुकड अंडर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड हैंडफुल और, हैं और सिटीजन चार्जेस जो रो के चार्ज भी लगते हैं जिनको जिन्होंने स्टेट गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म किया है कोविड नाइन्टीन आउटब्रेक के लिए ठीक है और जो जैसे कि आ, बहुत सारे उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही है कि जो कोविड से रिलेटेड जो बैड न्यूज़ है मैसेंजर ऑफ कोविड बैड न्यूज़ तो उनको अरेस्ट किया जा रहा है एंड इंडियन स्टेट्स वीक कैपेसिटी व्हेन इट कम्स टू द डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स इज लाइक हेल्थ स्टैंड ब्रूटली एक्सपोज टू द सेकंड वेव तो यही सब चीज़ें हैं यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो इंसिडेंट इन द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स बाई पुलिस पुलिस का भी यूज़ हो रहा है एक्सेसिव पुलिस फोर्स का एंड जो इवन मतलब माइनर लॉकडाउन वायलेशन के लिए बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिल रही है एंड एक्स्ट्राऑर्डनरी सरकमस्टेंसेज ऑफ पेंडेमिक डू नॉट लाइसेंस एंड एक्स्ट्राऑर्डनरी हैवी हैंड नॉट द अनचेक्ट एंड वेंट एन यूज ऑफ लॉज विध स्विपिंग पावर्स तो ये सब बोला है और एन वीरेन सिंह की गवर्नमेंट है यहाँ पे तो इनको लॉ और डेमोक्रेसी के मतलब आ, मौकरी नहीं करनी चाहिए बाई यूजिंग एनएसए है ना कि जो भी डिसेंड करेगा उसको क्या करे कर लिया जाएगा अरेस्ट कर लिया जाएगा यहाँ पर टॉय स्टोरी के बारे में मतलब ये है कि एक लिगो है तो लिगो ने आ, सेलिब्रेट किया है मतलब एल जी बी टी कम्यूनिटी ये सेलिब्रेट करेंगे ये जून में सेलिब्रेट करते हैं फर्स्ट डे ऑफ जून और यहाँ पे इन्होंने टॉयज जो है मतलब जेंडर न्यूट्रल टॉयज़ को ये क्या करेंगे प्रमोट करेंगे ठीक है इनग्रेट करेंगे तो यही है कि एवरी वन इज़ ऑसम के नाम से इनकी थीम होगी और टुगेदर अगेंस्ट कोविड तो ये आर्टिकल देख लेते हैं अब बहुत सारे क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिलेगा विभिन्न विभिन्न न्यूज़पेपर्स में है ना जो द हिंदू वगैरह तो यहाँ पर एक एस्पेक्ट दिया हुआ है कि क्या सरकार के काम है अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम में जो पॉजिटिव साइड ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव है कि क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं कोविड को अभी तक uh, टैकल करने के लिए है ना क्या लूप होल्स है उसके बाद आएंगे पहले तो पॉजिटिव साइड आपको लिखनी ही पड़ेगी तो उसके लिए आपको ये थोड़ा बहुत देखना ज़रूरी है कि क्या क्या सरकार कर रही है तो यहाँ पे ये है कि इन्होंने रविशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया आर्टिकल है ठीक है द राइटर इज़ यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई तो इन्होंने ये बोला है कि अभी एक जो पॉजिटिविटी रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है कोरोना वायरस का एंड न्यू केसेज आर डाउन इन टू हंड्रेड डिस्ट्रिक्ट और रिकवरी रेट भी जो है वो सेटिस्फाइंग है एट्टी सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट है और अगर बात करें पूरे डब्ल्यू एच ओ के डेटा की तो उससे भी मतलब ये है कि वन पॉइंट ट्वेंटी करोड़ अप्रॉक्सीमेटली ये केसेज हैं एंड द फर्टिलिटी परसेंटेज जो है वन थर्टी फोर परसेंट है एंड कॉन्ट्रास्ट इन द सेकेंड वे विद फोर्टी नाइन तो इसमें वन पॉइंट टेन परसेंट जो फर्टिलिटी रेट है परसेंटेज वो है सो देर इज़ होप इन दिस डब्ल्यू एच ओ डेटा एंड डेथ्स पर लैक पॉपुलेशन इन इंडिया ठीक है पर लैक पॉपुलेशन में ट्वेंटी वन डेथ है अगर इंडिया की बात करें वन एटी वन यू एस ए में वन सिक्सटी वन वन सिक्सटी सिक्स फ्रांस वन नाइन्टी फाइव इन यू के एंड टू हंड्रेड नाइन इन इटली वन सेवेंटी वन इज स्पेन एंड ये सारा मतलब ये बोला है कि उन्होंने आई मस्ट क्लैरिफाइ दैट इज़ एनी वेर इज़ पेनफुल तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जब मतलब सेकेंड वेव स्टार्ट हुई थी इनिशियली जो स्टेज थी महाराष्ट्र में तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टार्ट किए थे प्रोवोकेटिव एक्शन स्टेप्स लेना सेवनटीन्थ ऑफ मार्च को ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी चीफ मिनिस्टर की और स्पेसिफिकली उनको बोला गया था कि आप अपने अपने स्टेट्स में क्या लो प्रोवोकेटिव मेजर स्टार्ट करो क्योंकि जो सेकेंड सर्ज है कोरोना वायरस की उसको कंटेन करना है एंड ही हेल्ड अ मेजर टू कंटेन द सेकेंड सर्ज ही हेल्ड अ सीरीज ऑफ मीटिंग विद डॉक्टर्स ड्रग मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी मीटिंग हुई इंडस्ट्रियल्स के साथ हुई बहुत बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ हुई और ऑपरेशंस हुए अगेंस्ट कोविड 19 इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द गवर्नमेंट हैज रिकॉर्डेड फोकस अटेंशन टू हेल्थ केयर सेक्टर ठीक है अगर हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो ये वन थर्टी सेवन परसेंट आउटले uh, ये किया गया इट इज़ इम्पॉर्टेंट उन्होंने सिंस 2014 की बात करें तो एम्स के जो कैंपसेस थे वो छः थे 2014 में तो आज के डेट में 22 एम्स के कैंपसेस हैं और 381 जो थे मेडिकल कॉलेज से अभी हमें 565 मिलते हैं एंड नंबर ऑफ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सीट मेडिकल एजुकेशन में ये भी फिफ्टी से एट्टी ठीक है फिफ्टी से एट्टी बढ़ी है तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं फिर वैक्सीन के लिए रुपीज़ फिर ड्यूरिंग द सेकेंड वे फर्स्ट चैलेंज ये था कि ऑक्सीजन सप्लाई एडिक्वेट हो है ना सही मात्रा में सभी को ऑक्सीजन सप्लाई जाए तो इन्होंने प्रोडक्शन इंक्रीज किया चार हजार मीट्रिक टन का प्रोडक्शन बढ़ा लिया मतलब पाँच हज़ार सात तो, सात सौ मीट्रिक टन से नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी सिक्स मीट्रिक टन पर डे प्रोडक्शन हुआ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑल्सो गॉन अप एंड दैन ट्रांसपोर्टेशन का जो हमारे लॉजिस्टिक की जो हर्डल थी तो वो भी दूर की है जो हमारे ऑक्सीजन एक्सप्रेस मूवमेंट हैं बाय इंडियन रेलवेज़ ये चलाए गए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एयर लिफ्टिंग ऑक्सीजन कंटेनर्स को किया गया है ना तो ये सब चीज़ें हैं मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी में ट्वेल्व फोर्टी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड हैज़ नाउ गॉन अप ट्वेंटी टू फिफ्टी सिक्स सो द नंबर अप एक एक हज़ार छः सौ अड़सठ अभी हो गए तो यहाँ पे ये सब कुछ फैक्ट्स हैं दूसरा यहाँ पे है कि यहाँ पे पीएम केयर फंड को मतलब अपोजिशन बार बार बोल रहे हैं कि कुछ वन ईयर से आप खर्च करो तो यहाँ पे ये बोला गया कि सिर्फ फिफ्टी थाउजेंड वेंटिलेटर्स का खर्चा है एंड वन लैख ऑक्सी केयर सिस्टम्स हैं एंड वन लैख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं फाइव हंड्रेड ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हैज़ बीन मेड है ना इस फंड से और अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस हमको अभी ये शो करता है कि हमारे जितने भी मतलब पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उनको उनसे हम ऊपर उठ जाए राइट टू क्रिटिसाइज बहुत जरूरी है आप वो करो कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म है वो जरूरी है राइट टू सजेस्ट इज ऑल्सो श्योरली वेलकम ऑथर ने ये बोला है बट डिरेलिंग एनी इफर्ट इज अनफॉर्चुनेट कि आप बोल रहे हो अभी आपने सुना होगा पहले ही स्टार्टिंग में क्या हुआ था जब वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही थी जो आपने एक टर्म सुना है वैक्सीन हेजिटेंसी तो ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं जैसे डॉक्टर फोसी का हमने सुना कल उन्होंने बोला मास्क मत पहनो है ना वो मेडिकल एडवाइजर है यूएस के प्रेजिडेंट के है ना और यहाँ पे जैसे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे तो उन्होंने बोला कि ये बीजेपी की वैक्सीन हम तो नहीं लगाएंगे हम नहीं लगा रहे और बीजेपी दे रही है तो क्या हम बीजेपी की वैक्सीन पे आ, बिलीव कर सकते हैं तो वैक्सीन को किससे जोड़ दिया पॉलिटिकल पार्टी से ठीक है आई होप कि उनको अपर्णा यादव ने ऑलरेडी समझा दिया होगा बिकॉज लखनऊ हॉस्पिटल में शी ऑलरेडी गॉट जैब्ड मतलब वैक्सीन की फर्स्ट जाब uh, ले ली है और लोगों से अपील भी की कि सब लोग लगाएं वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो वन ओनली नीड्स टू रिकॉल द रेकलेसनेस कमेंट्स ऑफ सम ऑफ द मेन लीडर्स ऑफ द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी देयर ओनली कंसर्न हैज बीन टू डैमेज द रेपटेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बाय रिजॉर्टिंग टू फॉल्सहुड ठीक है बहुत ऑलरेडी हो चुकी है डैमेज लेकिन तुम वैक्सीनेशन ड्राइव uh, को लेके ये सब चीज़ें कमेंट ना करो है ना तो अंडर आर्टिकल 172 सेवेंटी टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्शन कैंपेन को लेकर क्वेश्चनिंग की गई थी तो आर्टिकल 172 सेवेंटी टू कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो फाइव साल के लिए मतलब पाँच सालों के लिए होगी उसके बाद असेंबली इलेक्शन होंगे ठीक है और अगर नहीं होते तो असेंबली अपने आप डिसॉल्व हो जाती है ऑटोमेटिकली तो इलेक्शन कमीशन सक्सेसफुली हेल्ड द बिहार इलेक्शन लास्ट ईयर और किसी भी पार्टी ने कोई भी चाहे वो केरला हो बंगाल हो किसी ने भी पोस्टपोन्ड इलेक्शन करने की मतलब कोई डिमांड नहीं की थी है ना तो ये सारी चीज़ें भी हैं और यही बोला गया है बस यहाँ पे कि हमारे साथ जो है पूरा वर्ल्ड इस टाइम पे हमें हेल्प कर रहा है इंडिया इज़ हर फाइटिंग अगेंस्ट कोविड इंडिया के साथ सब लोग हैं और असिस्टेंट मिल रही है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ग्लोब इज़ अ ग्रेट सक्सेस ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी दिस कुड हैपन्स बिकॉज इंडिया इज हेल्पिंग हैंड जब उनकी सिचुएशन थी उनका टाइम ऑफ क्राइसिस था एंड नीड थी तो तब हमने उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प की है ना तो ये सब चीज़ें और हम अपने लोगों के इंडियन के कॉस्ट पे ऐसा नहीं करेंगे कि हम बाहर के लोगों को मतलब एक्सपोर्ट करें

जो सिंपल खाना है रोटी दाल चावल वो ही नहीं मिल पा रही है लोअर इनकम फैमिलीज ज़्यादा फेस कर रहे हैं और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो मेन जो एक क्लास है उनमें एक बहुत ज़्यादा फेयर है है ना कि बाहर नहीं जा रहे हैं वो इनकम क्लासेज हैं विद द कोविड नाइन्टीन इन्फेक्शन अफेक्टिंग द मिडिल एंड वेल्दी क्लासेस तो वो उनकी मतलब अपने घरों से बाहर हेल्प करना भी नहीं चाहते वो किसी फैमिली की तो ये अनफॉर्चुनेट है थोड़ा एंड सेकेंड ये है कि बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं फ्रेंड्स हैं वो बहुत डेंजर में देर आर फोकस्ड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन अरेंजिंग ऑक्सीजन बेड्स फॉर देम है ना तो ये सब है और लो इनकम फैमिलीज और इवन जो मतलब जैसे मुंबई में कुछ हमने वो देखे होंगे कि कुछ जैसे जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स uh, भी थे तो वो लोग ने अपने सर्वाइवल के लिए वहाँ पे क्योंकि अब सारी फीस तो एजुकेशन में लगा दी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं प्रॉमिस किया था कि घर आएंगे तो कुछ बन के आएंगे है ना ऐसे ही नहीं आएंगे तो वो अपने सर्वाइवल के लिए वहाँ पर ही टी स्टॉल या फिर कुछ कुछ काम मतलब इस तरीके का कर रहे हैं कि वो वहाँ पर रह सकें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें तो ये सब चीज़ें भी हैं अगर नहीं करेंगे तो कहाँ से क्या खाएंगे है ना तो ये है और बहुत बुरी स्थिति है टिपिकली बिफोर द पैनडेमिक एम्प्लॉयर्स वुड कम पहले मतलब आपने देखा होगा कि, कि जैसे मेन हाईवे या फिर जो चौराहा है ठीक है वहाँ पे बहुत सारे जो लेबरर्स होते हैं वो वेट करते रहते हैं कि एम्प्लॉयर्स आएगा और उनको हायर करेगा और फिर उनको कुछ काम देंगे ठीक है तो वो खाली हो जाते थे टेन एम तक लेकिन अभी वो रोज आते हैं बैठते हैं कोई आता ना जाता है उनको uh, कुछ भी अब तो मतलब क्या अब कुछ हो ही नहीं रहा है प्रॉपर उनके पास काम नहीं है करने को और लॉकडाउन से जब वो अनलॉक हुआ था फर्स्ट वेव के बाद तो वो ऑलरेडी uh, यहाँ पे आ गए थे मतलब मुंबई इन डेली वगैरह है ना तो ये सब चीज़ें एंड मिसिंग इन ऑल दिस कन्वर्सेशन इज़ अ प्लाइट ऑफ द मोर वॉलरेबल ग्रुप अब मोर वॉलरेबल ग्रुप इनमें से कौन हो गए जिनको भाई डिजीजेज हैं ठीक है जैसे जो एल कम्युनिटी है या तो जिनको एच पॉजिटिव पॉपुलेशन है सेक्स वर्कर्स हैं एंड जो डोमेस्टिक वर्कर्स की भी मैं बात करूँगी जो कल थे है ना पीपल विद डिसबिलिटीज़ पीपल सफरिंग फ्राम लिप्रेसी एंड सो ऑन तो ये तो बहुत मतलब इनकी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब है जो एक बेसिक नीड होती है बेसिकल मेडिक मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है कि पहले ही टाइम पे इनका जो मिटिगेट है कोरोना वायरस या इन्फेक्शन है कुछ भी है तो वो कम हो जाए क्योंकि इनको मतलब अलग तरीके का ट्रीटमेंट भी चाहिए होता है ना इनको आ, क्या होगा आ, जो जैसे पैरासीटामोल है और जो एच आई वी पॉजिटिव है उनके लिए एक अलग से मतलब ट्रीटमेंट होता है है ना तो वो सब चीज़ें भी इनको ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही हैं अब ये जो आर्टिकल यहाँ पे ऑथर का ये कहना है अंकिता पांडे आ, शी इज़ राइटर राइटर इज़ अ टीचर एट दिल्ली यूनिवर्सिटी तो सिटीज़न लेड इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स इन रिस जुडिशियल प्रोसेस इन एम्पावर सिटीजनस तो यहाँ पे अभी क्या हुआ था जो हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं तो इन्होंने जो फाइव फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स थी जो नॉर्थ ईस्ट डेली ट्वेंटी ट्वेंटी में प्रजेंट की गई थी ठीक है तो उसको चैलेंज किया और ये बोला कि सिटीज़न्स ग्रुप जो है इन्होंने जो ये फैक्ट फाइंडिंग जो थी रिपोर्ट तो ये एक सेल्फ कॉन्स्टिट्यूटेड है और ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और पैलर जुडिशल सिस्टम ग्रुप है इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कोई एक लॉ नहीं है दे कुड नॉट बी रिलाईड अपॉन बाय एनी फॉर्मल जुडिशल फॉरम तो ही सेट दैट पीपल कैन नॉट हैव देयर ओन फैक्ट कि अपने आप ही आप अपनी ओन फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज़ कहीं से भी इमर्ज कर दे रहे हो तो दे मस्ट गो टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होनी चाहिए तो यहाँ पे इन्होंने इसके फेवर में मतलब अपोज में सपोर्ट बोले आर्ग्यूमेंट दिए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे आपको एक अगर क्योंकि आपका एक ही सोर्स होगा अगर इन्फॉमेसन का तो बहुत डेंजरस हो जाएगा मल्टीपल सोर्स होंगे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो केसेस हैं वो क्या डेमॉन्स्ट्रेट करते कुछ केसेस दिए हैं आप इनको पढ़ सकते हो कि जैसे जब चंपारण मोमेंट हुआ था है ना चंपारण सत्याग्रह नाइनटीन में तो यहाँ पर एक्सटेंसिव फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज हुई थी तो गांधी जी यहाँ पे खुद गए थे लोगों से मिलने के लिए जो इंडिगो फार्मर्स थे है ना टू ग्रो इंडिगो ऑन दियर लैंड ऑन अ कंडीशन ऑफ टेनेंसी एंड वर रिक्वायर्ड टू पे एन इलीगल सेस ऑन इट्स एग्जॉबिटेंट रेट टू लोकल लैंड लॉट्स तो गांधी ने ये बोला था आ, कि ये जाएंगे इंडिगो इन, प्लान्ट से मिलेंगे वेन ही वॉज इन्फॉर्मड ऑफ द डिस्टेस एंड द लैक ऑफ अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबल तो फिर यहाँ पर फिर कमेटी गठित हुई थी इसी तरीके से जैसे जब जलियावाला बाग में जिक्र हुआ था तो यहाँ पर नाइनटीन में तो गवर्नमेंट ने सेटअप की इन्वेस्टिगेटिव कमेटी है ना जो लॉर्ड विलियम हंटर को जिसका बनाया गया था हेड तो हंटर ने जो रिपोर्ट थी वो बड़ी बेकार मतलब सही हंटर कमीशन की रिपोर्ट सही नहीं थी उसके बाद कांग्रेस ने एक पैलर बॉडी सेटअप की पंजाब सब कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द इवेंट तो यही इसी तरीके के कुछ हैं तो जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है बहुत ज़रूरी हो जाती हैं बनानी एंड

ट्रांसफॉर्म करती है पब्लिक एंड गवर्नमेंटल अंडरस्टैंडिंग को जो भी इवेंट है या फिर क्राइम है तो इनको जो है रोकना नहीं चाहिए और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स इनको वेरीफाइड करना चाहिए इनको क्रिटिसाइज़ करें अगर यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हुए हैं या फिर कुछ भी लूप होल्स हैं दे शुड नॉट बी लेकिन डिसमिस्ड जस्ट बिकॉज दिज आर सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन बाय दी सिटीज़न uh, है ना तो जिनको डिसमिस नहीं करना है सीकिंग टू डी लेट सिटीज़न लेट फैक्ट फाइंडिंग इन द फैक्ट ऑफ वे कंट्रोल द नैरेटिव तो ये सिटीज़न्स की जो एबिलिटी है कि वो अपने साइड की स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं तो वो उनको उनसे छीन लेगी मतलब ये सब सो इट वुड भी डेंजरस इफ ऑफिशियल इन्फॉमेशन वॉज द ओनली इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन तो ये सब नहीं होना चाहिए और जिस तरीके से हमारी जो डेमोक्रेसी है वन दैट शुड बी प्रिजर्व नॉट डिसक्रेडिटेड ठीक है तो ये सब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिए हुए थे लंका पार्लियामेंट नॉट फॉर चाइनीस पोर्ट सिटी बिल विद अमेंडमेंट्स तो यहाँ पे कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल आया है जिसमें ये है कि जो गवर्नमेंट है इन्होंने ये बोला है मतलब जो चाइनीज़ बैक प्रोजेक्ट होगा तो वो क्या करेगा इन्वेस्टमेंट लाएगा और इनके आइलैंड नेशन की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा ठीक है तो यहाँ पे अपोजिशन पार्टी ने श्रीलंका की क्रिटिसाइज़ भी किया था कि चाइनीज कॉलोनी एक बन जाएगा श्रीलंका अगर ऐसा होता है कुछ तो इसराइल एंड अनिश स्ट्राइक वट एक्सपेक्टेशन फॉर ट्रूस राइजेज़ तो ये है कि इसराइल अभी नहीं मान रहा है यू ने ऑफर भी किया था मतलब ये बोला था कि आप समाप्त करो लेकिन इसराइल ने साफ साफ कहा कि जब तक हमारे गोल मेट नहीं होते हैं वी आर डिटर्मिन टू कंटिन्यू दिस ऑपरेशन अनटिल इट्स एम इज मेट है ना तो ये करते रहेंगे तो यहाँ पे ये है फर्स्ट होम सेल्फ टेस्ट फॉर कोविड ये को वही है कोविशेल्फ ठीक है इसके बारे में है एक बार देख लेंगे संडे को ये सब जो आर्टिकल है ना एक बार मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा ठीक से इनको बता दूँ कि किस तरीके से यहाँ पे बस ये बताया गया कि अगर आप मतलब आपके पास हमने कोविशल्ड ले लिया है तो उसके बाद आपको क्या प्रोसीजर करना है है ना तो वो सब है रीडिंग गवर्नमेंट एडवाइजरी ऑन एयरबोन ट्रांसमिशन तो न्यू एडवाइजरी द गवर्मेंट हैज़ वॉम दैट दिस आर सी ओ वी टू वायरस कैन बी ट्रांसपोर्टेड तो ये एयर से हो सकता है एरोसोल के फॉर्म में है ना टेन मीटर्स अवे तो ये है कि इन्होंने एडवाइस किया है कि वेंटिलेशन होना चाहिए प्रॉपर देन इकोनॉमी से रिलेटेड है कि मोस्ट लिबरल डिबेट लाइकली गवर्नमेंट वांस लीगल ओपिनियन क्रिप्टोज तो क्रिप्टो करेंसी पर आर्टिकल है इसमें देखेंगे सारे आर्टिकल का मैंने नोट्स बनाए हैं मिक्सचर उसका करके तो वो देखेंगे न्यू आईटी पोर्टल लॉन्चेस ऑन जून सेवन तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये uh, एक न्यू इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल जून सेवन से लॉन्च कर रहे हैं द सी बी डी टी ऑन थर्सडे द एग्जिटिंग पोर्टल विच विल भी फेसड आउट लेटर विल नॉट भी अवेलेबल फॉर टैक्स पेयर ठीक है एंड अदर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर एक से छः तक तो क्या नाम डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इनकम टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट इन विल बी कम्प्लीटेड एंड मेड ऑपरेशन फ्रॉम जून सेवन तो ये है और तो आज के लिए बस इतना ही एंड बाकी के जो न्यूज़ आर्टिकल आज मतलब हैं और तो उनको नेक्स्ट उसमें देख लेंगे ठीक है तो थैंक यू हैव हैवे नाइस